आज आगरा ऑप्स एंड गायनी सोसाइटी की तरफ से एक सीएमई का आयोजन किया गया है। यहाँ लखनऊ से डॉक्टर शरद कुमार आए थे जो एंड्रोक्राइनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने थायराइड डिजीज़ विद प्रेगनेंसी के ऊपर लेक्चर दिया और थायराइड डिजीज़ प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है आजकल, और उन्होंने ये काफ़ी सारी गाइडलाइन दी कि प्रेगनेंसी करने से पहले ही थायराइड डिजीज़ को एक्सक्लूड कर लेना चाहिए और थायराइड कंट्रोल करने के बाद ही प्रेगनेंसी करनी चाहिए, और प्रेगनेंसी में थायराइड के लेवल्स काफ़ी कंट्रोल रहने चाहिए, अदरवाइज़ बच्चे की आईक्यू लेवल्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। थायराइड को सीरियसली लेना चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप कराकर, और हो सके तो प्रेगनेंसी से पहले ही थायराइड टेस्ट कराकर, प्रेगनेंसी थायराइड और डायबिटीज़ टेस्ट कराकर प्रेगनेंसी प्लान करें। मैं डॉक्टर वंदना सिंगल, सेक्रेटरी AOGS। आज हम लोगों ने यहाँ मीटिंग रखी है हाइपोथायरॉयडिज्म पर और वेल्वुलर डिजीज़, जो कार्डियक डिजीज़ होती हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी होती है। और हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हमें उस बच्चे को भी देखना होता है, माँ को भी देखना होता है, और माँ की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है इस समय। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किस में हम कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी, किस में हमें टर्मिनेट करनी है, और हमें क्या एडवाइस करना है पेशेंट को जिससे कि वो सेफ रह सकें। तो हमारे यहाँ आज डॉक्टर शरद कुमार लखनऊ से आए थे, सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो कि उन्होंने BHU से किया हुआ है। उन्होंने काफ़ी डिटेल में थायराइड के बारे में समझाया। डॉक्टर हिमांशु यादव आगरा से।